आज जो है मैं आपको ये बताऊंगा कि हम जो स्पैंडल की स्पीड को जो हम मेंशन करते हैं, जो स्पैंडल की स्पीड हमें देनी होती है मशीन पे, तो दो तरीके के कोड हम यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डीपली थोड़ा समझाऊंगा कि किस समय हमें कौन से स्पैंडल स्पीड का सिलेक्शन करना है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। पहले ये देखिए आप, एक हमारा कोड कौन सा है, एक हमारा कोड है G97, ठीक है, हमें G97 का यूज करेंगे। एक कोड हमारा ये है, दूसरा कोड हमारा क्या है, G50, और इसके साथ में काम क्या करता है हमारा, G96, ठीक है। ये होगा आपका, या दूसरा होगा G92 और G96, ठीक है। केवल ये तीन तरीके के कोड्स आप देखेंगे मशीन के ऊपर फानुक कंट्रोल में, जहां पे हम आरपीएम को घुमाने के लिए या स्पैंडल स्पीड के लिए या कटिंग स्पीड का यूज करते हैं। मेन क्या होता है, चक्के के रोटेशन के लिए। आप इसे देसी भाषा में समझ लीजिए कि जब हमें स्पैंडल को घुमाना हो या चक्को रोटेट करना हो तो हम इस तीन तरीके के कोड का यूज करेंगे, या तो G97 होगा, या G92-96 साथ में यूज होगा, या G50-G96 होगा, ठीक है। इसके ऊपर पीछे मैं काफी सारी वीडियोस बना चुका हूँ, काफी डिटेल में वीडियो मिल जाएगी आपको। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि G97 का यूज हम ज्यादातर कहाँ पे करेंगे। देखिए G97 में क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होगा कि कोई भी स्पीड आपकी जैसे हो गई G97, स्पैंडल आपने 1000 लिख दिया, 1000 RPM, तो पूरे कंपोनेंट के टाइम पे क्या होगा, पूरे कंपोनेंट के टाइम पे स्पैंडल स्पीड आपकी 1000 पे ही घूमेगी, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कभी घटेगी या बढ़ेगी, इस तरीके से कुछ नहीं होगा, फिक्स रहेगा। जैसे कि आप ये मान के चलिए कि ये आपका कंपोनेंट है, ठीक है, ये कंपोनेंट है, इसका डाया मान लेते हैं 20 mm में, इसका मान लेते हैं 40 mm में, इसका मान लेते हैं 70 mm में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डाया है, तो ये क्या होगा, अगर हमने इसके लिए स्पैंडल 1000 अगर घुमाया तो क्या होगा, यहां पे आरपीएम हर जगह, टूल जब आपका 20 mm डाय पे होगा तो भी सेम है, जब टूल आपका 40 mm डाय पे आया तब भी सेम है, और जब 70 पे आया तब भी सेम है। तो इसमें क्या होगा, कभी भी आपका आरपीएम जो है फ्लक्चुएट नहीं करेगा, जैसा 1000 डाल रखा तो 1000 पे ही घूमेगा। तो ये स्पैंडल स्पीड से क्या होगा, आपने ज्यादा फिनिशिंग इस पे अचीव नहीं कर सकते, फिनिशिंग आपको इस पे नहीं मिलेगी। तो ये कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए यूज होगा, इसका यूज होगा लेकिन टर्निंग में हम इसको ऑपरेशन में यूज कम करते हैं, ठीक है दोस्तों। काफी डीपली इसकी वीडियो पहले बना रखी है, अगर समझ में नहीं आती है तो उस पुराने वाली वीडियो को जाके देखिए। अब आते हैं इस वाले कोड पे दोस्तों, इसमें क्या होगा आपका, इस तरीके से अगर कोडिंग को यूज करेंगे तो इसमें क्या होगा, स्पैंडल स्पीड फ्लक्चुएट होगा आपका, ठीक है। स्पैंडल स्पीड फ्लक्चुएट कैसे होगा, यहां पे हम G92 में क्या करेंगे, स्पैंडल डालते हैं मैक्सिमम 2500, ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, G96 स्पैंडल 200, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेगा, हमने ये मैक्सिमम आरपीएम दिया है यहां पे, कितना 2500 RPM मैक्सिमम है यहां पे, तो ये 2500 में क्या होगा, हर डाई पे क्या होगा, आरपीएम जो है इसमें स्पैंडल स्पीड जो है फ्लक्चुएट होगी आपकी, ठीक है। यहां पे आपका 20 mm डाई पे स्पैंडल बहुत फास्ट हो जाएगा, 40 mm डाई पे आपका स्पैंडल जो है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, कंपेयर टू 20 mm की तुलना में थोड़ा कम हो जाएगा 40 पे, और 70 mm जो है 40 mm की तुलना में 70 mm पे कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे डायमीटर आपका बड़ा होता जाएगा तो स्पैंडल जो है आपका, जो आरपीएम है वो क्या होंगे, स्लो होते जाएंगे, वो कम होते चले जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये जो होता है ये टर्निंग के ऑपरेशन में सबसे ज्यादा यूज होगा आपका, अगर आपको आईडी की टर्निंग करनी हो, ओडी पे टर्निंग करनी हो, फेसिंग करनी हो, तो टर्निंग के टाइम पे मैक्सिमम जो है आप ये दो तरह के ही कोड चलते हुए देखोगे, G92-96 या G50-G96, ठीक है। और ये कब के लिए है, जब हमें आरपीएम को कॉन्स्टेंट घुमाना हो, फिक्स घुमाना हो। तो दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्पैंडल को घुमाया जाता है। और दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा सा और डिटेल में सीखने के लिए, समझने के लिए, इसको आप मेरी पुरानी वीडियो डाल रखी है मैंने, आप उसे ध्यान से जाके देखिए, ठीक है दोस्तों। आज के वीडियो में केवल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने शेयर किया है यहाँ पे, और आगे बहुत सारी वीडियोस में आपके लिए नई नई वीडियो बना के लाऊंगा नए नए टॉपिक पे।
अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।